मुंबई के घाटकोपर इलाके में 2-3 महीनों से पानी की समस्या थी। लोगों को इस्तेमाल करने तक के लिए पानी नहीं था। पूर्व नगर सेवक किरण लांडगे, जो कि ठाकरे गुट के नगर सेवक है, उन्होंने घाटकोपर असलफा क्षेत्र के उनके वार्ड में पानी की समस्या होने के कारण महानगर पालिका में बार बार शिकायत की। इसके बावजूद भी महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस समस्या को अनदेखा किया। आज विनोबा भावे नगर पुलिस ने महानगर पालिका के अधिकारी के झूठे आरोप पर किरण लांडगे को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। पूर्व नगर सेवक किरण लांडगे को पुलिस हिरासत में लेने की सूचना जनता को मिलते ही बड़ी संख्या में लांडगे के समर्थन में ठाकरे गुट के शिवसैनिक और स्थानीय नागरिक विनोबा भावे पुलिस थाने पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ बड़ी संख्या में रस्ते पर उतर कर आंदोलन किया। किरण लांडगे का यह कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और इसके पीछे शिंदे गुट के विधायकों का हाथ है। पूर्ण एलवॉर्ड मध्ये नाही तर माझ्या वार्डात सुद्धा पाण्याचा एवढा बिकट प्रश्न होता की लोक जवळजवळ 1.5 ते 2 महिन्यापासून पाण्यापासून वंचित होते आणि त्या ठिकाणी लोकांनी उग्र आंदोलन केलं। त्यावेळेस त्या पालिकेचे अधिकारी त्या ठिकाणी आले आणि लोकांना उर्मट भाषेमध्ये उत्तरं द्यायला लागले। त्यावेळेस लोकांचा रोष अनावर होऊन लोकांनी त्या ठिकाणी त्यांना जाब विचारला असता त्या रागापोटी त्यांनी त्या अधिकाऱ्याने माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला। वारंवार आम्ही जे पाण्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे करतो यामध्ये जाणूनबुजून हा खेळखंडोबा केला जातोय जेणेकरून आमची छबी कुठेतरी लोकांमध्ये खराब व्हावी म्हणून हे पाण्याचे प्रश्न जाणीवपूर्वक निर्माण केले जातात। याच्यामध्ये मिंदे गटाचे जे आमदार आहेत, बरेचसे लोक आहेत जे आमचे विरोधक आहेत, जे जाणीवपूर्वक आमच्यामध्ये लोकांमध्ये गैरसमज पसरवून आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असतात। मेट्रो मुंबई के लिए संवाददाता विनोद कांबळे के साथ अक्षता पवार की रिपोर्ट।